गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू पैक कवर चैनल। आज का यूजफुल वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। यहाँ मैंने एक दो तीन नहीं, पूरे 30 यूजफुल हैक आपको बताने वाली हूँ, जो आपकी घर और किचन की लाइफ को सच में बहुत ज्यादा आसान बना देने वाली है। क्योंकि हम महिलाएं रोज काम करती है, उसके बाद भी अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पाती है और थक अलग जाती है। तो क्यों ना अपनाया जाए कुछ स्पेशल हैक जो आपकी लाइफ को आसान बनाए, और एक दो दिन की छुट्टी अगर हम ले भी लें किचन से तो हमारे काम में कोई असर ना पड़े। तो आज का यूजफुल वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, बहुत सारे स्पेशल हैक है जो आज से पहले आपने नहीं देखी होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का यूजफुल वीडियो। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कि हर महिला इस चीज से परेशान होती है क्योंकि लहसुन छीलना ज्यादातर पसंद नहीं आता है। जैसे तैसे अगर लहसुन हम छील भी लेते हैं तो अंगूठे को भी नुकसान होता है, अंगूठे के अंदर जलन होती है और इसकी जो बैड स्मेल होती है वो हाथों से बिल्कुल नहीं जाती है। तो आपने छोटा सा काम करना है, सबसे पहले जो लहसुन है इनकी कलियां तोड़ लेनी है। तो नाखून से कोशिश कीजिएगा ना तोड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होता है और वो जल्दी से खत्म भी नहीं होता है। तो पहले तो हम इसको अच्छे से तोड़ लेंगे, इसके बाद में हम यूज करेंगे एक पानी की बोतल। यहाँ पर मैंने दो ही कलियों का यूज किया है। आप अगर ज्यादा लहसुन का यूज कर रहे हैं तो बड़ी बोतल का आप यूज कीजिएगा। लहसुन के बीच वाले डंठल को गलती से ना फेंके, आप इसे किसी भी अनाज में रखेंगे तो उससे भी कीड़े नहीं होते हैं। यहाँ पर बोतल में जितनी लहसुन है वो हम इस तरीके से डाल लेंगे। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा साइज का लहसुन है तो बोतल का साइज भी बढ़ा लीजिएगा, ताकि इसमें से डालने और निकालने में आपको आसानी हो। तो मैंने छोटा बोतल ही लिया है क्योंकि लहसुन मुझे कम ही छीलना है। और यहाँ पर मैंने यूज कर रही हूँ छोले। छोले हर घर में होते हैं। छोले जो होते हैं वो लहसुन से टकराव करेंगे, टकराव की वजह से इसके जो छिलके हैं वो ढीले हो जाएंगे। ये ट्रिक बहुत ही कमाल का है, स्पेशल ट्रिक है, जरूर यूज करके देखिएगा। अगर आपको लहसुन छिलना बिल्कुल पसंद नहीं है तो इस ट्रिक को आप आजमा के देखिएगा। आप चाहते हैं ना तो किलो दो किलो लहसुन भी आप एक साथ छिल सकते हैं, बस आपकी जो बोतल की साइज है ना वो आपने बड़ी लेनी है। आप ये काम बच्चे को देंगे, बच्चे भी खुशी खुशी इसे करेंगे। अच्छे से बढ़िया से इसे शेक कीजिएगा, लगभग 10 मिनट कंटिन्यू आप इसे शेक करेंगे तो आप देखेंगे जो छिलका है वो सारा का सारा इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोले का यूज किया है जिससे अच्छे से टकराव होता है लहसुन से और लहसुन के जो छिलके होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और अच्छे से छील जाते हैं। अगर आप यहाँ छोले का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप बड़े वाले मक्के के दाने का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से जो छिलके हैं वो ढीले हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लहसुन काफी हद तक छील चुकी है, बिल्कुल हाथों का हमने यूज नहीं किया है। अगर आपको बहुत ज्यादा सिरदर्द लगता है लहसुन छीलना तो इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा, और एक साथ ही आप महीने भर की लहसुन छील के रख सकते हैं, बार बार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ट्रिक आपको यूजफुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मैं आपके सामने ही लहसुन छील के दिखा रही हूँ, नाखून का बिल्कुल यूज नहीं कर रही हूँ, बस इसकी जो ऊपरी परत है ना उसको मैं हल्का सा निकाल रही हूँ और जो लहसुन है वो छील गया है। लहसुन छीलने का ये तरीका मुझे आज तक का सबसे आसान लगा है। ना उंगलियों का यूज करना है, ना ही हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम देना है, बस इसे अच्छे से शेक करना है। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से इसे नहीं छीलना चाहते हैं तो आप चने और लहसुन को एक पॉली बैग में लेके वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं, जहां हम कपड़े ड्राई करते हैं। 5 मिनट के लिए आप हाई स्पीड पे चला दीजिए, इससे भी जो लहसुन है उसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर आप बोतल को शेक करना नहीं चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप लहसुन के छिलके उतार सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आता है। तो आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने ही मैंने काफी सारा लहसुन छिलके रख लिया है। ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है, जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लहसुन छिलना बिल्कुल नहीं पसंद होता है, हाथों में से बैड स्मेल अलग नहीं जाती है। आप देख सकते हैं 2 से 3 लहसुन इसमें नहीं छिली है, कहीं पर टकराव की वजह से वो नहीं छील पाई होगी, लेकिन यहाँ पर लहसुन जो है वो 99% आपकी छील जाती है बिना हाथ लगाए। आई होप बोतल का ये ट्रिक आपको पसंद आता है। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आप इन छोलों को एक पानी से अच्छे से धो लीजिए और आप इसकी सब्जी बना सकते हैं। छोलों को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्दियों का मौसम आ चुका है और बहुत से घरों में देसी अंडे को खाया जाता है। जब हम मार्केट से लेकर आते हैं ना तो हमें देसी अंडा ही कहा जाता है, पर अगर इसे खोल के हम देखते हैं तो हमें फर्क नहीं पता चलता है कि देसी अंडा कैसा है और नॉर्मल अंडा कैसा है, क्योंकि अंदर से एक जैसे होते हैं। बस पता पड़ता है हमें इसके बाहर वाले कवर से कि इसका कलर बदल जाता है। क्या आपको पता है कि इसमें मिलावट की जाती है? अगर आपको नहीं पता है तो जान के आपको अचंभा लगेगा, और अगर आप इसे करते हैं तो आप नॉर्मल अंडे को भी देसी अंडा बना सकते हैं। बस यहाँ पर ऐड करना है आपने आंवले को। जब भी आप अंडा बॉइल करते हैं तो बीच में आप यहाँ पर एक आंवला डाल दीजिए, अंडे का जो कलर है वो देसी अंडे जैसा हो जाता है, और इसी ट्रिक से हम लोगों को बेवकूफ भी बनाया जाता है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आता है। अगला यूजफुल हैक मेरे दिए को लेके है। दिवाली जा चुकी है और इस दिए का हम यूज नहीं करते हैं, पर इस दिए को अगर आप कुछ भी यूज नहीं करना चाहते हैं तो रूम फ्रेशनर की तरह कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है लौंग।
चार से पांच मैंने लौंग ले लिए, लौंग फूल वाले ही लीजिएगा क्योंकि इसमें से बहुत अच्छी गुड स्मेल आती है। इसके बाद में मैंने लिया है एक नेफ्थलीन की गोली। बस आपने दिए में इन दो चीजों को रख देना है। इसके बाद में आप किसी पॉलीबैग या पेपर को इसके ऊपर बंद कर दीजिए, यानी हमने इसको ढाक देना है ताकि इसमें से सारी स्मेल एक साथ ना उड़ जाए। तो यहां पर मैंने एक रबड़ लिया है और अच्छे से इसे बांध दिया है। इस तरीके से आप जितने चाहे उतने दिए बना सकते हैं। अच्छा क्या होता है, हमारे घर के जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें से बैड स्मेल आने लग जाती है। अलमीरा में से कभी कभी बैड स्मेल आने लग जाती है, कभी कभी पलंग में से आने लग जाती है क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम तक हम उन्हें खोलते नहीं, काफी सारा सामान हम उसमें स्टोर करके रखते हैं। तो इस तरीके से दिए में आप नेफ्थलीन की गोली और यहां पर लौंग को रख लीजिए। इसके बाद सेफ्टी पिन की मदद से छोटे छोटे होल कर लीजिए। हमने ऐसे प्लास्टिक बैग में अच्छे से बंद करके रखा है रबड़ की मदद से, जिससे कि नेफ्थलीन की गोली बाहर नहीं आएगी और हल्की हल्की स्मेल पूरे बेड में बनी रहेगी। गर्म तवा होते हुए अगर हम फिर से सब्जी गर्म करने के लिए गैस जला रहे हैं तो बिल्कुल ना जलाएं। बस आपने गर्म तवे पर स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन में सब्जी लेके या रोटी या जो भी आप चावल गर्म करना चाहते हैं वो रख दीजिए, हल्का सा पानी डाल दीजिए। आप देखेंगे इस गर्म तवे पर ये जो सब्जी है, तरकारी है, ये आपने जो चावल रखे हैं वो गर्म हो जाएंगे और आपको अलग से गैस नहीं चलाना होगा। बस इस गर्म तवे के रहते हुए ही आपकी सब्जियां गर्म हो जाएगी। तो आई होप इस यूजफुल ट्रिक को आप अपनाना चाहेंगे। इसके लिए गैस वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती है, छोटा सा ट्रिक है, जरूर अपना के देखिएगा। अगला यूजफुल हैक, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मेरे घर में दो छोटे बच्चे हैं, जब भी मैं उन्हें कॉफी, दूध या चाय देती हूँ तो अक्सर ना वो आपस में झगड़ने लग जाते हैं क्योंकि कप एक जैसे देखते हैं, उन्हें पहचान नहीं आती है। आप इनकी पहचान अलग कर सकते हैं नेल पेंट की मदद से। तो यहाँ मैंने नेल पेंट ली है, जो भी कलर की आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज कर सकते हैं और जो भी कप है, ग्लास है, उसके ऊपर एक अल्फाबेट बना दीजिए जो उनके नाम से स्टार्ट होता है। तो मेरे दो बच्चे हैं तो एक का नाम वी से स्टार्ट होता है, एक का एन से होता है। तो दोनों ही कप पे मैं अलग अलग कलर से यहाँ पर उनके फर्स्ट अल्फाबेट लिख रही हूँ ताकि वो इन कप को पहचान पाए और जब भी नेक्स्ट टाइम मैं इसमें दूध, कॉफी कुछ दूं तो वो आपस में झगड़े नहीं। अगर आपके घर में वैसा बार बार होता है, बच्चे आपस में झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं कि अरे मेरा कप है, तुम्हारा कप है, तो ये ट्रिक को अपना के देखिएगा। तो आप कप के किसी भी हिस्से में ये मार्क कर सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा इनसाइड अंदर की तरफ ना करें क्योंकि गर्म दूध या कॉफी आप डालेंगे तो नेल पेंट पिघल सकती है। तो ये भी छोटा सा ट्रिक आप जरूर अपनाना चाहेंगे। आप ये ट्रिक प्लेट और थाली पे भी कर सकते हैं, इससे अलग से पहचान आ जाती है और बच्चे आपस में बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे। मेरे ये बहुत ज्यादा काम आती है क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपस में वो जरूर बहस करते हैं कि आपका कप या मेरा ग्लास या मेरी थाल कौन सी है। छोटा सा ट्रिक है, जरूर करके देखिएगा, आपके काम को आसान बनाएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला यूजफुल हैक मेरा दीपक को लेके है। जब भी हम दीपक में इस तरह का लंबा बाती लगाते हैं, आपने देखा होगा बाती ना पहले से ही जल जाता है, फिर से हमें तिली या किसी भी चीज की वजह से इस बाती को ठीक करना होता है। अब बार बार इस काम को करने के लिए स्पेशल हमें टाइम निकालना होता है, तो आप यहाँ सेफ्टी पिन का यूज कर सकते हैं। इससे बाती को आप सेंटर में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, जैसा कि आप रखना चाहते हैं। इससे आपको बाती बीच में आगे बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही बाती जल जाने का टेंशन होता है। तो इस तरीके से एक सेफ्टी पिन की मदद से आप बाती को अच्छे से अटका सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक ट्राई आउट करके देखिएगा, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइफ टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। सेफ्टी पिन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और जितना तेल दिए में है वो सारा तेल ये बाती ले लेगी अपने में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटा सा ट्रिक है सेफ्टी पिन से रिलेटेड, इसे यूज करके देखिएगा। बीच बीच में इस तरीके से आपको तीली या कोई लकड़ी की मदद से इस बाती को ठीक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि यहाँ दूसरे वाले स्टील दिए में मुझे जरूरत पड़ रही है। ये बीच बीच में बाती को मुझे फिर से ठीक करना होता है। अगर आपके साथ भी बार बार होता है तो इस सेफ्टी पिन वाले ट्रिक को यूज कीजिएगा। आपके घर में भी बच्चे बड़े सभी होंगे और उनकी कुछ ना कुछ दवाइयां जरूर चलती रहती है। मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम सबको होते हैं, हल्का फुल्का ही सही सबको होता है। जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो इन दवाइयों को भी हमें साथ में ले जाना होता है। अच्छा, अगर हम इन्हें साथ में ले जाते हैं तो आपने देखा है ये बहने लग जाती है। इस तरह की जो सॉलिड फॉर्म में होती है, टैबलेट होती है, उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, पर जो लिक्विड वाली दवाएं होती है इनके साथ प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ पर बलून का यूज कर सकते हैं। ये बलून बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, मात्र एक या दो रुपए का एक ही बलून आता है। तो इस तरह के बलून अपने साथ जरूर कैरी करें और जब आप इसे ट्रेवल में ले जा रहे हैं बोतल को, तो इस तरीके से कवर कर लीजिएगा। एक बूंद दवा भी बाहर बिल्कुल नहीं आएगी। ये छोटा सा ट्रिक जरूर यूज करके देखिएगा। आप चाहते हैं तो आप बैलून को बीच में कट करके दो बोतल पे भी लगा सकते हैं, पर एक बैलून एक ही बोतल पे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा सेफ्टी और सिक्योर रहेगा। अगर गलती से दवाई निकलती भी है तो वो इस बैलून से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। जैसा कि आपने कभी पानी डाल के भी देखा हो तो पूरी तरीके से पानी बैलून के अंदर ही रहता है।
मौसम बदलते ही हमारे हाथ पैरों या जोड़ों में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए बहुत बार डॉक्टर कहते हैं कि बर्फ से आप सिकाई करें। जहां पे भी आपको पेन हो रहा है या अब भी हमको हल्की फुल्की मोच है तो उसमें हल्का हल्का पेन आने लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बर्फ के क्यूब को लेते हैं और कुछ इस तरीके से मसाज करने लग जाते हैं। पर आपने देखा होगा कि बर्फ हमें बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, जितनी देर हम मसाज नहीं करते उससे ज्यादा तो हमें इस बर्फ की वजह से ठंडा लग जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि इस बर्फ का भी यूज करें और हमें ठंडक भी बिल्कुल ना लगे। तो आपके घर इस तरह के छोटे छोटे जो पर्स होते हैं ज्वेलरी के साथ आते हैं, हम इसका यूज नहीं करते, तो प्लास्टिक वाला मत लीजिएगा, इस तरीके से कपड़े वाला आप ले लीजिए पर्स और इसमें डाल लीजिए आइस क्यूब। तो जितने इसके अंदर आ सकते हैं उतना आप डाल लीजिए और इसके बाद में आप यूज कर सकते हैं इसका उस हिस्से पर जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है। घर में छोटे बच्चे हैं, टीके लगते हैं, तो आपने भी देखा ही होगा कि बच्चों को बहुत ज्यादा दर्द होता है और डॉक्टर भी कहते हैं कि बर्फ से सिकाई करें ताकि टीके की वजह से बच्चे को किसी तरह की दर्द और तकलीफ ना हो। तो हमें ये सिकाई का काम ना बार बार करना होता है। तो इस तरीके से आप इस पर्स का यूज कर सकते हैं कि आप इसमें आइस क्यूब डाल लें, ये जल्दी से मेल्ट नहीं होती क्योंकि डायरेक्ट इसमें हवा नहीं लगती है। इसके बाद में उन हिस्सों पर आप हल्के हल्के हाथों से सिकाई कीजिए जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है। जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं जो आपके रिलेटिव में है तो उन्हें ये ट्रिक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है बच्चों को डायरेक्ट बर्फ से सिकाई करने लग जाते हैं जिससे बच्चे को दर्द से ज्यादा ठंडक लग जाती है। तो इस स्पेशल ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में इस पर्स को आप डायरेक्ट फ्रीजर के अंदर रख दीजिए। मैं इस पर्स को खोल के भी आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे बर्फ मेल्ट बिल्कुल नहीं होती है, हल्की फुल्की मेल्ट होगी भी तो वो सिर्फ पर्स के ऊपर ही जाएगी और हाथों की पैरों की या जहां पे भी आपको टीका लगा है अच्छे से सिकाई हो जाएगी। ये स्पेशल ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आप देख सकते हैं आइस क्यूब वैसे की वैसी है, बस आप इसे फिर से फ्रीजर में रख दीजिए और जब आपको फिर से सिकाई करनी है इसे निकाल के आप इसका यूज कर सकते हैं। पापड़ का स्वाद हर खाने के स्वाद को बढ़ा देता है और इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारे खाने में। दो तरीके से इसका यूज किया जाता है, एक तो आप इसे सेक के यूज कर सकते हैं, दूसरा इसे आप तेल में फ्राई करते हैं। सेकने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट आप इसे बर्नर पे रख दीजिए और आराम से सीख जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पापड़ का साइज छोटा है, अगर छोटे साइज का पापड़ है तो आप बर्तन भी छोटा ही लीजिए। बड़े बर्तन को लेंगे ज्यादा टाइम लेगा वो गर्म होने में, छोटा बर्तन अगर आप लेते हैं तो तेल भी जल्दी से गर्म हो जाएगा और बर्तन भी ज्यादा गर्म नहीं होगा जिससे हमारे गैस की बचत होगी। तो इस तरीके से छोटे बर्तन का यूज करें, जैसे कि हम कम सब्जी बनानी होती है तो हम छोटे बर्तन का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पापड़ को भी अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो छोटे बर्तन का ही यूज करें। बर्तनों को सोच के ही यूज करें, इससे हमारे गैस की बहुत ज्यादा बचत होती है। छोटे छोटे ट्रिक से हम घर की बचत कर सकते हैं। अच्छा पापड़ फ्राई करें या तेल में कुछ भी आप फ्राई करते हैं तो इसे निकालने के लिए एक स्पेशल बर्तन का यूज करें ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है ना वो बिल्कुल वेस्ट में ना जाए। तो पापड़ पकोड़ा या फ्रायर्स आप फ्राई करते हैं तो उसे निकालने के बाद इस तरह की थाल का जरूर यूज करें जिसका हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। पेपर पे तेल आने से पेपर का हम वापस यूज नहीं कर पाते, उसे फेंकने में ही जाना होता है। यहाँ पर आज हम चाकू को गर्म करने वाले हैं तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा बिल्कुल गैस नहीं चलाई है, जब सब्जी बन रही है उसी के बीच में मैंने यहाँ पर चाकू को गर्म किया है। इस गर्म चाकू से आज हम एक बोतल की कटिंग करने वाले हैं, तो आपके घर में भी इस तरह की वेस्ट बोतल जरूर होगी जो यूज होने के बाद अक्सर हम इसे फेंक देते हैं, तो इस बोतल का ही आज हम यूज करेंगे। तो बोतल को हम थोड़ा सावधानी से ऊपर से नीचे तरफ काटेंगे, जैसे कि आप मेरे हाथों को देख सकते हैं। अगर इस तरह का काम आपने पहले कभी नहीं किया है तो प्लीज आप ना करें, किसी और की हेल्प ले लें, क्योंकि इसमें अगर गलती से स्किन से टच होता है तो काफी ज्यादा स्किन को नुकसान हो सकता है, जल भी सकता है। तो हल्के हाथों से ही आप इसे करेंगे ना तो ये कट जाएगा, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज किसी की हेल्प ले लीजिए। तो हल्के हाथों से मैं इसे कट कर रही हूँ और इसी तरीके से नीचे तक हमने इसको काट लेना है। बस निचले वाले हिस्से को पूरी तरीके से नहीं काटना है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर छोड़ देना है ताकि ये जो बोतल है कटने के बाद में आराम से खुल सके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से हमने बोतल को काटना है। ये कटी हुई बोतल हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकती है, इसका यूज भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो आप इसके ऊपर फिर से इस ढक्कन को लगा सकते हैं। अब ये बोतल ठीक से बनके रेडी हो चुकी है। इसका यूज हम कैसे लेने वाले हैं, ठंड का सीजन आ चुका है और आपके घर में भी इस तरह के वेस्ट कपड़े जरूर होंगे जो कि वक्त के साथ कलर फीके कर देते हैं, जिसे हम यूज नहीं करते हैं और ये हमारे घर में रखे होते हैं। बहुत सारे तो आप इसे दान भी कर देते होंगे, पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं कर पाते हैं और घर में निकलते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, इस विंटर सीजन कोई सभी वेस्ट कपड़ा ले लीजिए जो आपके घर में रखा हुआ है, उसे सीजर से कट कर लीजिए। आप इसे पोछे में यूज करेंगे तो आपने देखा होगा हमें इसे क्लीन करने में बहुत ज्यादा घिन आती है, ठंड का सीजन है तो जितना हो सके हमें पानी से बचना चाहिए। तो क्या करें कि इस तरीके से हम यहाँ पर कोई सभी वेस्ट कपड़ा जो भी आपके पास है, मेरे पास या मेरे हस्बैंड की बनियान है जो कि अभी वो नहीं पहनते हैं और ये काफी ज्यादा ढीला हो चुका है, तो मैंने इसे सीजर की मदद से कट कर लिया है। छोटे छोटे मैं 8-10 इसके टुकड़े कर लूंगी
इसका यूज करूंगी किचन में किचन डस्टर की तरह, पर यूज एंड थ्रो की तरह, बस यूज किया और डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दिया, धोना नहीं है बार बार। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके आप रख लीजिए, ये बहुत कमाल का हैक है। तो काफी सारे टुकड़े मैंने कर लिए, करीबन 10-12 टुकड़े हुए हैं एक ही बनियान के अंदर से, थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े जैसे भी आप कट कर सकते हैं। अब इनको अरेंज करने की बड़ी दिक्कत होती, तो आप इस घर में पड़ी इस बेकार बोतल को कट करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें काफी सारे कपड़े अंदर आ जाएंगे और जब भी आपको ऐसा लगता है कि किचन में कुछ गिर चुका है, तेल गिर चुका है या चाय गिर चुकी है, दूध गिर चुका है और उसको क्लीन करने के लिए हमें डस्टर की जरूरत है, पर डस्टर को हमें बार बार क्लीन करने से बचना है, इसलिए आप इन बेकार पड़े कपड़ों का यूज कर सकते हैं। बस कपड़े को आप यूज कीजिए और डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दीजिए। ये छोटा सा हैक जरूर यूज करके देखिएगा, आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। यहाँ वेस्ट बोतल का भी यूज हो गया है, वेस्ट कपड़े का भी यूज हो जाएगा और ठंड से आप बचेंगे। ये मीठी चीजें हमारे घर में होती है, क्या होता है हम कितना भी केयर कर ले इसके आसपास चींटी आ ही जाती है, अगर चींटी आ जाए तो वो इन्हें खराब कर देती है, जिसके बाद हमें इन्हें खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो आपने क्या करना है, एक कॉटन बॉल लेना है और उसके बाद में जो व्हाइट विनेगर हमारे घर में होता है, चाइनीज खाने में यूज किया जाता है, इसको इसके ऊपर हल्का सा डालना है, यानी कि हमारा जो कॉटन है उसको गीला कर लेना है और यहाँ पर जो शहद का बोतल है, शक्कर है, उसके आसपास अच्छे से इसको मल लेना है, हल्का हल्का सा वाइप कर लेना है। यहाँ पर विनेगर की खुशबू अच्छे से आनी चाहिए, पूरी बोतल पे आप लगा सकते हैं, ढक्कन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जब नीचे वाला बेस अच्छे से इससे लगा होगा तो बिल्कुल भी चींटियां इसके आसपास नहीं आएगी। किचन काउंटर पे बार बार चींटियां आ रही है कुछ फूट पार्टिकल गिर जाने की वजह से, तो भी आप किचन स्लैब को भी अच्छे से इसी कॉटन में थोड़ा सा विनेगर लगाते हुए वाइप कर लीजिएगा, कभी भी आपको चींटियां देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप ये यूजफुल ट्रिक आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बहुत ही कमाल का हैक है, एक बार तो आप करके जरूर देखिएगा, आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अगला यूजफुल हैक मेरे केले को लेके है। ये केले मेरे यहाँ दिन में आए थे, मैंने सोचा कि शाम तक मैंने देखूंगी, पर शाम तक ही देखिए इसके पीछे वाले दो केले खराब हो चुके हैं। तो आपके घर में भी ऐसा होता होगा, जब केला आ जाता है तो ये केले ना चलते ही रही है, यानी जिस दिन लाए उसके एक दो दिन के अंदर ही हमें इन्हें कंज्यूम करना होता है, हम इन्हें रख नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा पके हुए केले होते हैं। और इस तरह के केले को कैसे हम रखें कि वो दो चार दिन तो चले ही चले, तो आपने क्या करना है, जिस भी पॉलीबैग में आ रहे हैं या आप कोई डोरी ले लीजिएगा, तो इसी बैग में ये आए थे और इसी को मैं यूज करते हुए इसे अच्छे से हैंग करूंगी, ताकि जो केले हैं अगले 3 दिन तक ऐसे के ऐसे ही बने रहे, बिल्कुल खराब ना हो। तो इस पॉलीबैग को हमने केले को पहनाना है, पर पहनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो दो केले को आप पकड़ लीजिए, हल्के से पकड़िएगा, क्योंकि केले पके हुए होते हैं तो जल्दी से टूट भी जाया करते हैं। तो जिस तरीके से मैं इन्हें पहना रही हूँ उसी तरीके से हमने इसे पहनाना है, हैंडल वाले हिस्से से दो दो केले पकड़िए और इसके डंठल की तरफ ऊपर की तरफ ले जाइए। आप देखेंगे ये आराम से हैंग हो गए हैं। अब इस पॉलीबैग को आप किसी कील पर हैंग कर दीजिए या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर ये फ्री रहे, यानी कि अच्छे से इस तरीके से मूव हो सके, जैसे कि मैं आपको भी करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल इस तरीके से लटकाना है हमने, ताकि हवा आसपास होती रहे और बिल्कुल भी केले खराब नहीं हो। छोटा सा ट्रिक है, अपना के देखिएगा, अगर आपके घर भी केले आते हैं और बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं तो ये 2-3 दिन बराबर चलेंगे। अगला यूजफुल हैक बहुत ही कमाल का है, क्योंकि हर घर की समस्या को खत्म करने वाला है। तो यहाँ लिया है मैंने एक दीपक और छोटा वाला ग्रेटर, आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं। इसका एक फायदा है, दीपक को जब आप ग्रेटर पे ग्रेट करेंगे तो ग्रेटर की जो धार है वो बढ़ जाती है, ये एक ट्रिक है। और दूसरा ट्रिक है, हमने यहाँ पर इसे ग्रेट करते हुए एक पाउडर बना लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 चम्मच इतना ही हमने पाउडर चाहिए। अगर आप इस तरीके से ग्रेटर पे नहीं यूज करना चाहते हैं तो हैमर से भी आप इसे तोड़ के बारीक चूर्ण या पाउडर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक और चीज मिलाने वाले हैं, वो है टेलकम पाउडर। तो ये मिश्रण एक बनके रेडी हो चुका है, जो कि चींटियों को भी भगाता है और इसका आज हम यूज करने वाले हैं झाड़ू के ऊपर। तो अच्छे से हमने इसे ऐड कर लेना है, मिला लेना है। घर का जो हमारा झाड़ू होता है वो काफी ज्यादा गंदा हो जाता है, वो चिपचिपी सरफेस भी क्लीन करता है, मिट्टी वाली सरफेस भी क्लीन करता है, टाइल्स वाली सरफेस भी क्लीन करता है। तो इसके खराब हो जाने पर हम इसे धो नहीं सकते, क्योंकि ये फूल झाड़ू है। प्लास्टिक झाड़ू को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप उसे हाथ से भी धो सकते हैं, पानी से भी, कोलगेट से भी, जैसे चाहे आप प्लास्टिक वाले झाड़ू को क्लीन कर सकते हैं। पर ये जो इस तरह का फूल झाड़ू होता है ना, इसको क्लीन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तब आप दीपक वाली मिट्टी और पाउडर को इस तरीके से इसके ऊपर डाल दीजिए, इसके ऊपर से चिपचिपाहट भी खत्म होगी, किसी तरीके से चींटी लग रही है या किसी तरह की बैड स्मेल भी आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। ये छोटा सा ही ट्रिक है पर बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि जब झाड़ू खराब हो जाती है तो ज्यादातर क्या करते हैं, इसे धोने लग जाते हैं। धोने से ये साफ तो हो जाती है पर बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। तो आपको भी बचाना है इस तरीके से झाड़ू को, लॉन्ग टाइम चलाना है तो इन छोटे से ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा और आपकी झाड़ू लॉन्ग टाइम तक चलेगी। बचा हुआ चूर्ण झाड़ू के बीच में अच्छे से डाल दीजिएगा, ताकि सारी जो बैड स्मेल
है वो खत्म हो जाएगी। और इस झाड़ू को 15 से 20 मिनट के लिए धूप में रख दीजिएगा, उसके बाद आप इसे यूज करिए। आपको किसी तरह की कोई बैड स्मेल इसके अंदर से बिल्कुल आते हुए नहीं दिखेगी। घर में बच्चे हो बड़े हो सबको इस तरह का बोतल लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बोतल पर मैंने रबड़ लगा रखा है। अगर बोतल किसी तरीके से भी लीक कर दी है, पानी बाहर आ जाता है, तो आप रबड़ का यूज कर सकते हैं। इससे पानी बिल्कुल बाहर नहीं आता है। ये पानी वाली बोतल का जब हम लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो आपने देखा होगा इसके अंदर से बैड स्मेल आने लग जाती है। तो इन बोतल को हम बहुत तरीके से क्लीन कर सकते हैं, पर उसके बाद भी ना हम महिलाओं का मन नहीं मानता है। हमारी इच्छा होती है काश किसी तरीके से इसके अंदर हमारा हाथ चला जाता और हम स्क्रबर से अच्छे से इसे क्लीन कर पाते तो बहुत अच्छी बात होती। तो आज हम इसे स्क्रबर से ही क्लीन करेंगे पर हाथ नहीं डालेंगे। तो जब भी आप बोतल क्लीन करें फ्रेश वाला नया स्क्रबर ही यूज करें, क्योंकि पुराने जो स्क्रबर होते हैं उससे हम बर्तन भी क्लीन करते हैं, अगर किसी तरीके से बैक्टीरिया है तो बोतल के अंदर जा सकते हैं। तो कुछ भी इस तरीके का टूल या करछी पलटा आप ले लीजिएगा जो कि बोतल के अंदर बहुत अच्छे से जा सके और मूव कर पाए। तो हमने क्या करना है, इस स्क्रबर को अच्छे से इसके ऊपर टाई कर लेना है। यहाँ पर आप रबड़ का भी यूज कर सकते हैं, धागे का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल में तो मैंने यहाँ पर रबड़ का यूज किया है। अच्छे से इसे बांध लेंगे तो ये खिसकेगा नहीं और निकलेगा भी नहीं। इस तरीके से आप इसे बांध लीजिएगा। इसके बाद में एक सोल्यूशन हम बना के रेडी करेंगे जिससे ये बोतल एक ही बार में क्लीन हो जाएगी, अंदर तक अच्छे से चमक भी आ जाएगी और किसी तरह की बैड स्मेल होगी ना वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसके हमने क्या करना है, एक चम्मच लेना है हमने बर्तन धोने का साबुन या बर्तन धोने का लिक्विड, जो भी आप यूज करते हैं। इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर मीठे सोडे का। मीठे सोडा इसके अंदर जितनी भी गंदगी है उसको अच्छे से फुला देगा, स्क्रबर बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर फिर भी बैड स्मेल नहीं जा रही है तो आप विनेगर का भी एड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल पानी ही लिया है क्योंकि इन बोतल को मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद में बोतल के अंदर जिस तरीके से हम बर्तन क्लीन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये बोतल के अंदर अच्छे से स्क्रबर का काम करेगा और ये बोतल अंदर से आपके मन चाहे तरीके से क्लीन हो जाएगी। तो हम महिलाएं हैं तो हमें इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि हमारे बच्चे या हमारे घर के मेंबर जो पानी यूज कर रहे हैं पीने में वो बर्तन क्लीन है भी या नहीं है। बाहर से तो हम इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं पर अंदर क्लीन कर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा टेंशन में भी रहते हैं। इसके अंदर की जो सरफेस होती है वो बहुत ज्यादा चिपचिपाहट हो जाती है, गंदी हो जाती है, क्योंकि ग्लास में भी अगर आप 4 दिन पानी रखते हैं तो आपने देखा होगा एक पतली लेयर ग्लास के अंदर भी आ जाती है। तो क्यों ना इस बोतल के अंदर आती होगी जब हम इसे बहुत टाइम तक यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आती ही है, स्मेल भी आती है और ये गंदी भी रहती है। तो इस तरीके से ना आप स्क्रबर बना लीजिए और जितनी भी बोतल्स है उनको हफ्ते में एक बार तो जरूर क्लीन करें। ये बहुत ही कमाल का हैक है, जरूर यूज करके देखिएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा यूज में आता है क्योंकि मेरे बच्चे इस तरह की बोतल्स का यूज करते हैं और सभी घर में इन बोतल का यूज होता जाता है। इसके बाद में ये जो बचा हुआ सॉल्यूशन है, स्क्रबर है, इसे बिल्कुल मत फेंकिएगा। इसका यूज कर सकते हैं आप बर्तन धोने के लिए, बर्तन भी बहुत अच्छे से इससे साफ हो जाते हैं। बोतल क्लीन करने का ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये यूजफुल ट्रिक हर किसी को पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। हमारे घर में ना एक चीज बहुत कॉमन है जो कि यूज होती है, वो है चाय छलनी। स्टील की जो चाय छलनी होती है उसको साफ करने के आपने अनेकों तरीके देखे होंगे, उसके बाद भी ये क्लीन नहीं होती है, गंदी होती है। पहला तरीका में तो आपको यही बताया गया होगा कि बर्नर पे इसे रख दीजिए और बर्नर पे इसे अच्छे से जला लीजिए। बहुत ही कमाल का हैक है, करना भी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा छलनी गंदी हो चुकी है, चिपचिपी हो चुकी है, तो ट्रिक बहुत ज्यादा काम आती है। इसके बाद में जब काली हो जाए तो उसे कैसे क्लीन करें, तो उसके लिए आपने लेना है एक भगोने में पानी। पानी इतना लीजिएगा जिसमें कि ये छलनी अच्छे से डीप हो जाए। मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूंगी, तो जितनी भी छलनियां हैं आपके पास उन छलनियों को इस पानी में डाल दीजिए। तो छलनी डूब जाए इतना पानी हमने लेना है। इसके बाद में हम यहाँ यूज करेंगे मीठे सोडे का। जितना भी आप बर्तन ले रहे हैं उसके हिसाब से ही आपने यहाँ पर मीठा सोडा लेना है। मैं 2 छलनियां यूज कर रही हूँ तो मैं 2 चम्मच यहाँ पे मीठा सोडा ले रही हूँ, क्योंकि छलनियां बहुत ज्यादा गंदी है। मैं सोच ही रही थी कि इनको बदल दूं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रिक यूज किया जाए। अगर ये क्लीन हो जाती है तो बढ़िया है, नहीं होती है तो हम इसको चेंज करेंगे ही, क्योंकि गंदी छलनियां बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। यहां पर बर्तन धोने का मैंने लिक्विड लिया है। इस सॉल्यूशन को बढ़िया से हमने 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उकालना है। फ्लेम का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म के रूप में आ जाएगा, इसके बाद में ये गैस से नीचे भी गिर सकता है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे चलाते रहिएगा। 10 मिनट तक अच्छे से इसे इसी सॉल्यूशन के अंदर डीप रहने दीजिएगा। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद में हमने इसे क्लीन करना है। यहाँ पर ये हल्का सा ठंडा हो चुका है क्योंकि मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अभी दिखाना बहुत जरूरी है। तो हल्का हल्का ही गर्म है और ये छलनियां ना मैंने बाहर निकाल ली है। आप देखेंगे अभी भी ये क्लीन नहीं हुई है, बस इसके आसपास जितनी चिपचिपी गंदगी है वो ढीली हो चुकी है। जैसे कि आप छलनी देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा गंदी है और मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं इसे यूज करूं, और काफी टाइम से मैंने इसे यूज किया भी नहीं था, रख रखा था और सोचा था कि नई छलनी ले आऊं। तो अब मैं इस छलनी को क्लीन करने वाली हूँ पुराने वाले टूथब्रश से।
कभी भी चूने का यूज छलनी में ना करें, इससे छलनियां उल्टी खराब हो जाती है और चूना इसके अंदर फंस के रह जाता है, जो कि चाय में भी आ सकता है या खाने में भी किसी तरीके से चला जा सकता है। तो टूथब्रश से अच्छे से क्लीन कर लीजिए और अब मुझे आप फर्क करके बताइए पुरानी छलनी कौन सी है, नई छलनी कौन सी है। तो जो सीधे हाथ में मेरी छलनी है वो नई है और उल्टे हाथ में जो छलनी है वो पुरानी है, दोनों ही छलनियों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो ये है मेरा पूरी छलना और आप देख सकते हैं ये टूट चुका है, पर ये मुझे फेंकने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज किया जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें हैंग करने के लिए काफी अच्छी जगह है, तो मैंने सोचा इसका यूज हम ले सकते हैं पेन को हैंग करने के लिए। पेन जब हमें टाइम पे नहीं मिलता है ना तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है। तो यहाँ पर आप इसे पेन हैंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपके किचन में से ऐसा कोई बर्तन जो बाहर निकालने वाले हैं आप सोच सकते हैं उसको दूसरे तरीके से यूज करने के लिए घर में, तो जरूर करके देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज हमारे घर में फ्री में नहीं आती है, हर चीज के लिए हमने पैसा लगाया है।